नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार जर्मनी ने परमानेंटली अपनी ट्रूप्स को किसी दूसरी कंट्री में स्टेशन करने का स्टार्ट कर दिया है अब आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर टू में जब जर्मनी एक अग्रेसर स्टेट हुआ करता था हिटलर के अंदर में लेकिन जब वहाँ पर हार हुई जर्मनी की तो जर्मनी की जो सरकार थी उन्होंने अपना स्टांस बदल दिया था और हमेशा से फिर वो अपना एक डिफेंसिव स्टेट बन करके रहे उन्होंने कभी कोई वॉर स्टार्ट नहीं की हाँ लेकिन वो अपनी डिफेंस टाइज जो है वो उसको हमेशा स्ट्रांग रखते थे जैसे कि इसराइल के साथ उनके अच्छे डिफेंस टाइज हैं लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कल की न्यूज है ये कि जर्मनी ने पहली बार वर्ल्ड वॉर टू के बाद अपनी ट्रूप्स को लिथुनिया में स्टेशन करना शुरू कर दिया है अब जो ये ट्रूप्स की स्टेशनिंग शुरू हुई है लिथूनिया के अंदर में इसको लिथुनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने सबसे हिस्टोरिक इवेंट बोला है अब ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये बेसिकली बीइंग अ नेटो मेंबर ये अरेंजमेंट किया गया इन दोनों कंट्रीज़ द्वारा मतलब लिथूनिया भी एक नेटो मेंबर है और जर्मनी भी एक नेटो मेंबर है तो इन दोनों ने अपनी नेटो मेंबर की हैसियत से आपस में ये अरेंजमेंट किया है जहाँ पर लिथुनिया के अंदर में जर्मनी अपनी ट्रूप्स को भेजेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ टू डजन जो सोल्जर्स हैं वो जर्मन के वहां पर पहुंचे लिथुनिया के अंदर में लेकिन आगे चल करके इसी साल में डेढ़ सौ सो और सोल्जर्स जो हैं जर्मन सोल्जर्स वहां पर लिथुनिया के अंदर में पहुंच जाएंगे और इनका एम ये है कि साल दो तक जर्मनी जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी यानी कि अड़तालीस से लेकर के पाँच सोल्जर्स तक को लिथुनिया के अंदर में स्टेशन करा देगा और सबसे खास बात जो ये अरेंजमेंट की है वो खास बात यह है कि जर्मनी ने जो स्टेशन किए हैं अपने ट्रूप्स को लिथुनिया के अंदर में ये लिथुनिया के अंदर में परमानेंट सेटलमेंट के तहत किया गया है और ये पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है जब किसी इतने लॉन्ग टर्म बेसिस पर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मनी ऐसा कोई कदम उठा रहा है अब यही तो प्रॉब्लम है ना पूरे यूरोप की आप देखो कि ये जो नेटो कंट्रीज हैं ये जो अपने डिफेंस अरेंजमेंट्स कर रही हैं वो एक्चुअली में कहाँ पर कर रही हैं अगर आप देखो ध्यान से तो ये देखो ये लिथुनिया यहाँ पर मौजूद है और लिथुनिया का बॉर्डर जो है वो बेलारूस के साथ लग रहा है और बेलारूस जो है वो रशिया का बहुत अच्छा एलाई है अब यहां से रशिया को प्रॉब्लम ही इसी चीज से है कि ये जो नेटो कंट्रीज हैं जो मेंबर कंट्रीज़ हैं क्योंकि ये अपने सोल्जर्स को यहां, 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 यहां पे लगा रही हैं जो कि रशिया के लाइन ऑफ डिफेंस को चैलेंज कर रहा है पूरी तरीके से अब रशिया को भी तो सिक्योरिटी थ्रेट होगा ना बेलारूस को भी यहां पर काफी सिक्योरिटी थ्रेट होगा कि मेरे सर पर आ करके जर्मन सोल्जर्स यहां लिथुनिया के अंदर बैठे हुए हैं तो दिस इज द प्रॉब्लम और यही प्रॉब्लम जो है जब आप ऐसी चीजें करते हो तो ये प्रॉब्लम यूरोप के अंदर में ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब जो ये पूरा मामला हुआ है आप देखो कि अब भी जो वेस्ट तो फ्लैंक है यहाँ पर एक तरीके से पूरी लाइन ऑफ डिफेंस बन गई है नेटो मेंबर कंट्रीज की और इसी चीज से रशिया को प्रॉब्लम है और इनिशियली यूक्रेन के साथ जो पूरे इशू शुरू हुए थे दो अंदर में वो भी तो इसी वजह से हुए थे तो ये प्रॉब्लम पूरा यूरोप का जो है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है इस वजह से अब इसके ऊपर जर्मा जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो हमने सेटलमेंट किया है इस बार जो अपने ट्रूप्स को भेजा है लिथोनिया के अंदर में ये परमानेंटली किया गया है और ये ट्रूप्स वहीं पर रहेंगी परमानेंटली वहां पर रहेंगी और ये जर्मनी ने इतिहास में पहली बार किया उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्नोलेज uh, किया वहीं दूसरी तरफ लुथुनिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरा बोला है कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि हमेशा नेटो अलायंस को चैलेंज करती हैं बेसिकली इन्होंने रशिया का नाम नहीं लिया लेकिन इसमें रशिया को टारगेट कर दिया कि जो कंट्रीज़ नेटो के अलायंस को हमेशा से चैलेंज करती है उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और जो ये हमने किया है इसमें इन्होंने आर्टिकल फ़ाइव का भी जिक्र कर दिया अब आर्टिकल फ़ाइव जो है ना ये आर्टिकल फाइव बेसिकली आप समझ लो पूरे नेटो अलायंस का हार्ट है क्यों हार्ट है पूरे नेटो अलायंस का बिकॉज ये आर्टिकल फाइव कहता है कि किसी भी एक कंट्री जो कि नेटो की मेंबर है अगर उसके ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो ये अटैक को माना जाएगा कि ये नेटो की सारी कंट्रीज पर अटैक है और ये सारी नेटो अलायंस की कंट्रीज की जो मिलिट्री है ये मिल करके उस एक कंट्री को काउंटर करेंगी जिसने ये पूरा युद्ध शुरू किया है नेटो मेंबर के अगेंस्ट में और इसीलिए आर्टिकल फाइव को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है पूरी नेटो अलायंस के अंदर में बिकॉज इसी आर्टिकल से वो पावर जनरेट होती है जिससे ये सारी कंट्रीज मिल करके एक आर्मी की तरह लड़ेंगी अब जो यूक्रेन के अंदर में हो रहा है जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर इसीलिए ये लोग ऑफिशियली अपनी ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर में नहीं भेज सकते बिकॉज यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है तो ये आर्टिकल फाइव वहां पर लागू नहीं होता इसीलिए इनको मर्सिनरीज भेजने की जरूरत पड़ रही जो अभी हमने दो तीन दिन पहले देखा था कि फ्रांस ने अपनी मर्सिनरीज को भेजा है यूक्रेन के अंदर में वो इसी वजह से ये अपनी मर्सिनरीज को भेजने के लिए मजबूर है बिकॉज ये अपनी ट्रूप्स को डायरेक्टली वहां पर भेज नहीं सकते हैं वो एक एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा क्योंकि यूक्रेन एक नेटो नहीं है अब इसी आर्टिकल फाइव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जो हमारे मतलब दुश्मन है ईस्ट के साइड में ईस्ट के साइड का मतलब है उनका कि जैसे ये पूरा नेटो है तो नेटो का ईस्ट हो गया ये तो ईस्ट साइड में कौन है उनका दुश्मन ऑब्वियसली रशिया है तो रशिया का उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन रशिया को टारगेट करते हुए कहा कि ईस्ट में हमारे दुश्मन है जो रशिया एंड उसका एलाई बेलारूस ये दोनों कंट्रीज जो है या ईस्ट का कोई भी हमारा जो दुश्मन कंट्री है हम ऐसी लाइन ऑफ डिफेंस यहां पर क्रिएट कर रहे हैं कि वो हमें टारगेट करने से पहले दस बार सोचेंगे अब ये जो लाइन ऑफ डिफेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो यहां पर देखो आप लिथुनिया के अंदर में जर्मनी की ट्रूप्स आ चुकी हैं और सिर्फ लुथुनिया के अंदर में जर्मनी की ट्रूप्स नहीं आई हुई हैं आप देखो कि लिथुनिया के अंदर में जर्मनी की ट्रूप्स हैं स्टोनिया में ब्रिटिश की ट्रूप्स यहां पर स्टेशन है और ये सब परमानेंट सेटलमेंट हुआ है लाटविया के अंदर में कैनेडियन ट्रूप्स स्टेशन है और वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के अंदर में यूएस के ट्रूप्स स्टेशन हैं अब वेरी स्मार्टली और धीरे धीरे आप देखना कि फिनलैंड में भी अपनी ट्रूप्स ये लोग भेज देंगे तो वेरी स्मार्टली व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं रशिया के अराउंड और इस लाइन ऑफ डिफेंस से ही रशिया को प्रॉब्लम है दूसरी तरफ ये लोग बड़ी स्मार्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप समझना कि जो रशिया ने क्राइमिया के साथ किया था मतलब यूक्रेन का जो ये था क्राइमिया इस पर इसको दो में रशिया ने ले लिया था क्योंकि रशिया उस पर अपना अधिकार मानता है जो क्राइमिया के साथ रशिया का पूरा जो सेटलमेंट है वही ये कालिन के साथ करने की कोशिश कर रहा है जो कलिन ग्राड यहाँ पर मौजूद है ये एक्चुअल में रशिया की टेरिटरी है तो ये इसको पूरी तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं रशियन मिनलैंड से ताकि रशिया जो है वो यहाँ से इतना ज़्यादा आइसोलेट हो जाए ये कालिन का आ, पूरा पार्ट कि रशिया को यहाँ पर इसको सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े दूसरी तरफ बेलारूस में हमेशा एक सिक्योरिटी थ्रेट रहे ताकि रशिया के जो अलाइज हैं वो हमेशा चेक में रहें अब इसके अगेंस्ट में अब ये तो नेटो जो कर रहा है वो कर रहा है रशिया इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया वो तो हुआ ही है लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर भी जियो लेवल पर रशिया जो है वो टारगेट करना शुरू कर रहा है नेटो मेंबर कंट्रीज़ को जहां पर सरकार कमजोर है जैसे अभी रशिया ने रिसेंटली बल्गेरिया को अपना टारगेट बनाया हुआ है अब बल्गेरिया में क्या हुआ है बल्गेरिया इज अ नेटो तो मेंबर कंट्री बल्गेरिया में दो पार्टियां हैं दो सरकार मतलब दो पार्टियां हैं जो कि प्रमुख पार्टियां हैं बल्गेरिया की जैसे इंडिया के अंदर में दो पार्टियां प्रमुख हैं ठीक वैसे बल्गेरिया में दो पार्टियां प्रमुख हैं एक पार्टी जो है वो प्रो नेटो पार्टी है और दूसरी उसने ही सरकार बनाई थी और तभी ये लोग नेटो के मेंबर बन गए थे और दूसरी जो पार्टी है वो एक्चुअल में एंटी नेटो पार्टी है या आप कह लो प्रो रशिया पार्टी है तो रशिया दूसरी वाली जो पार्टी है उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पार्टी जल्दी से अपनी एक स्टेबल गवर्नमेंट बना ले बल्गेरिया के अंदर में और इस स्टेबल गवर्नमेंट क्योंकि अभी जो उनकी गवर्नमेंट है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि वहां पर तीन साल में तीन बार सरकार गिर चुकी है तो जैसे ही बल्गेरिया के अंदर में प्रो रशिया पार्टी आएगी सी बात है वो लोग कंडेम करेंगे नेटो के मूवमेंट को इस पूरे वेस्टर्न फ्लैंग पे रशिया के तो यही चीज रशिया करने की कोशिश कर रहा है वो धीरे धीरे एक, एक कंट्री को टारगेट कर रहा है जो भी कंट्री वलनरेबल है दूसरी मुझे लगता है कि रशिया जो है वो टर्की को टारगेट करेगा श्योर शोर बिकॉज टर्की और हंगरी ये दोनों कंट्रीज के जो नेटो से जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं तो इसीलिए ये दोनों कंट्रीज भी रशिया को वेलरेबल लगती हैं और यहाँ पर भी इनकी गवर्नमेंट से बात करके क्योंकि अभी आपको पता है कि टर्की के अंदर में अर्डोगान की जो पूरी पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है उस पॉपुलैरिटी कम होने का फ़ायदा श्योर शॉर्ट रशिया जो है वो उठाने की कोशिश करेगा टर्की और हंगरी के साथ भी अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इस पर रशिया की जो ये पूरा सेटलमेंट हो रहा है जो ये पूरी आर्मी अपनी लगा रहे हैं यहाँ पर जितने भी नेटो मेंबर्स हैं जो प्रमुख कंट्रियाँ हैं इस चीज पर इस लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान आया है उन्होंने कहा है कि इनिशियली रशिया को प्रॉब्लम तो नेटो के इसी एक्सपेंशन से ही है क्योंकि अब आप, आप हमारे बॉर्डर्स के पास अपनी इतनी सेना लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें हमेशा एक सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा और इसीलिए तो यूक्रेन वाला पूरा इशू हुआ था जहाँ तक आपको यूरोप के अंदर में इतनी अशांति है यूक्रेन और रशिया का पूरा वॉर चल रहा है जिसकी वजह से पूरे यूरोप में इतना नुकसान हुआ है कहाँ तक आपको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि आप पीस टॉक्स कराओ आप शांति वहाँ पर कराओ आप सीज फायर की कोशिश करवाओ वहीं दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो आप अपनी ट्रूप्स को आगे बढ़ाए जा रहे हो आप अपनी ट्रूप्स को हमारे बॉर्डर्स पर लाए जा रहे हो तो इससे तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा यूरोप की बढ़ जाएंगी एस्केलेट हो जाएंगी और ये यूरोप के लिए एक बहुत टेंशन की बात है ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा सीधा वार्निंग देते हुए नेटो मेंबर कंट्रीज़ को बोला है और ये उन्होंने कहा है कि ये ना लिथुनिया के लिए अच्छा है और ना ही ये जर्मनी के लिए अच्छा है जो ये सारी अरेंजमेंट की जा रही है जो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को स्टेशन किया जा रहा है अब ये जो जितने भी जर्मनी के सोल्जर्स आ रहे हैं जो पाँच हज़ार सोल्जर्स दो हज़ार सत्ताईस तक आ जाएंगे इनमें से वन थर्ड जो सोल्जर्स हैं वो अपनी फैमिली को भी लेकर के आएंगे यहाँ पर और ये जो पूरा खर्चा है ये कौन उठाता है तो ये खर्चा दोनों कंट्रीज मिल करके उठाएंगे जैसे जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी तो जर्मनी देता ही है और वहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है बेसिस जो है वो मिलिट्री बेस बनाएंगे जो बैरिक्स बनाएंगे ये सारी चीज़ें लिथुनिया की सरकार करेगी और जो वो वन थर्ड फैमिली आ रही है सोल्जर्स की उनका भी पूरा देख रेख लिथुनिया की सरकार ही करेगी तो ये दोनों कंट्रीज जो है आपस में ऐसे सेटलमेंट करके ये अरेंजमेंट कर रही हैं और ये जो मैंने आपको बताया कि लाटविया में कैनेडियन सोल्जर्स हैं एस्टोनिया में ब्रिटिश सोल्जर्स हैं ये सब बीइंग अ नेटो मेंबर इन लोगों ने आपस में ये अपना अरेंजमेंट किया हुआ है और खर्चा भी इसी तरीके से लोग आपस में बांट करके कर लेते हैं अब जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और जो जर्मन सोल्जर्स की स्टेशनिंग हुई है लुथुनिया के अंदर में इसके ऊपर लेट्स सी क्योंकि रशिया ने वार्निंग दी है और आप रशिया की वार्निंग को बिल्कुल भी इजीली नहीं ले सकते तो लेट्स सी अगली डेवलपमेंट यूरोप के अंदर में इस पर क्या होती है आई होप आपको यह पूरा मामला समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड हैव